न्यूज 18 के खास शो कहता है वोटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रतलाम से मैं हूं सुधीर जैन और आज हम बात करेंगे नारी शक्ति की, जो कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। और हमारे साथ कुछ नारी शक्ति मौजूद है। 13 तारीख को रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर वोट डाले जाएंगे, इंदौर उज्जैन संभाग की सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और क्या इन नारी शक्ति के मन में है, क्या वे सरकार के कामकाज को लेकर सोच रखती है और किस तरह का उनका नज़रिया है इस बार वोटिंग को लेकर और सरकार के कामकाज को लेकर, तो इन्हीं नारी शक्ति से हम लोग बात करते हैं। मैम आप बताएं, आप क्या करते हैं और वोट देने जाएंगे 13 तारीख को? आप बिल्कुल जाएंगे। क्या मन में रहेगा उस दिन वोट देने जब जाएंगे आप? बस यही है, सरकार की योजना अच्छी है तो अपन उनको इतना सहयोग तो कर सकते हैं कि भैया अपना वोट अपन भी दें और दूसरों से भी वोट करवाए। अच्छा ये बताइए, कौन सी योजना आपको लगता है कि बहुत प्रभावी है, बहुत अच्छी है, लोग उसको देख? योजना अच्छी है नारी के लिए, तो सबसे पहले तो नारी की सुरक्षा के लिए ही है। फिर उनके लिए अभी वो लाडली बहना दी है, पहले लाडली लक्ष्मी योजना दी है। सभी योजनाएं अच्छी है, सभी योजना अच्छी है। मैडम आप बताएं, आप क्या करते हैं पेशे से, आप क्या करते हैं, आप युवा है तो युवाओं के मन में क्या है इस बार क्या चल रहा है, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? मैं नॉर्मली गोल्ड की शॉप पे जॉब करती हूँ और मतलब जितनी भी अभी अपन देख रहे हैं कि वैकेंसीज़ वगैरह को लेके, जॉब्स को लेके, तो थोड़ा सा हट के मतलब महिलाओं की सुरक्षा योजना सारी सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है। तो बीजेपी तो एक तरफा जीतनी है, सबको पता है। बेरोजगारी युवाओं के मन में है आपको लगता है? हाँ होगा, लेकिन युवाओं के मन में एक ये भी है कि योजनाएं मतलब जॉब्स को लेके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उसमें ऐसा है कि बाकी चीज़ें धर्म को लेके और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जॉब से हटके हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है जॉब का थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन बाकी योजनाएँ तो बहुत अच्छी है और सब लोग अच्छा खासा काम चल रहा है। नॉर्मली बीजेपी है और एक तरफा जीतेगी और स्टार्टिंग से हमारे घर में बीजेपी का ही रहा है, तो हमारे यहाँ पे तो कट्टर बीजेपी है ही सही सब लोग। कट्टर बीजेपी वाले निकले आप तो। तो मैम आप बताएं, आप क्या करते हैं पेशे से और वोटिंग है 13 तारीख को, तो वोट देने जाएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल जाऊँगी मैं वोट देने के लिए, और मैं एक होम मेकर के साथ साथ मैं रिसर्च स्कॉलर भी रही हूँ। और मेरे मन में ये है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट कर रहे हैं, भारत को आर्थिक रूप से सुधारने का उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और विश्व पटल पर जो उनकी छवि स्थापित कर रहे हैं भारत की, वो बहुत काबिले तारीफ है मेरी तरफ से। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी युवाओं के लिए जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए थोड़ी और कुछ अच्छी योजनाएँ अगर वो ला सकते हैं तो वो लाने का बिल्कुल वो प्रयास करें। कांग्रेस ने भी बहुत जोर लगाया इस बार चुनाव में। कांग्रेस ने जोर लगाया पर मुझे नहीं लगता है कि उनमें उतना दम है जितना मोदी में है, सिर्फ मोदी अकेला ही बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस एक तरीके से देखा जाएगा तो कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद को लेकर बहुत ज़्यादा है, अगर वो बीजेपी में आ जाता है तो बीजेपी भी ख़त्म हो जाएगी, पर बीजेपी में वो चीज़ कभी नहीं आएगी मुझे ऐसा लगता है। और इसी वजह से आज लगभग महिलाएँ मोदी को बीजेपी को ही वोट देगी। पहले और दूसरे राउंड में वोटिंग कम हुई थी, तो क्या लगता है क्या वजह लगती है आपको वोटिंग कम? इस बार तो बम्पर वोटिंग हुई है, और क्या लगता है आपको क्या वजह क्या लगती है आपको? नॉर्मली लोगों का घर से निकलना और वोटिंग को लेके थोड़ी सी जागरूकता है उस वजह से, मतलब वही चीज़ लगता है लोग निकलेंगे, बम्पर वोटिंग होगी इस बार, रिकॉर्ड टूटेगा इस बार तो निकलेंगे और बिल्कुल एक तरफा बीजेपी ही आएगी नॉर्मल। मैम आप बताएं, कोई काम आपको ऐसा लगा कि मोदी जी ने बहुत हटके काम किया है हम सभी के लिए और महिलाएं बिल्कुल जो है, मैंने कुछ बेरुखी देखी थी कुछ वोटिंग परसेंट को लेके पिछले कुछ एक दो जो चरण हुए थे, इस बार क्या सीन लगता है आपको? इस बार भी वही होएगा, बिल्कुल लाइन लगेगी रतलाम लगेगी। महिलाओं का कहना है कि लाइन लगेगी और बम्पर वोटिंग होगी रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर, 13 तारीख को वोट है तो वोट देने भी हमको ज़रूर जाना है, और बहुत से जो दूसरे मतदाता हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। कुछ और नारी शक्ति हमारे साथ उन्हें चर्चा करते हैं। मैम वोट है तेरी, 13 तारीख को वोट देने जाना है हम सभी को, आपको पता है, क्या मन में रहेगा, क्या सोच के वोट करने जाएंगे इस बार? मन में तो कुछ नहीं रहेगा, तो नॉर्मली अपने हिसाब से जो होगा वो देंगे, जो अपने को लगेगा कि अपने लिए क्या कर सकता है कोई इंसान उस हिसाब से अपन देंगे और क्या। मुद्दे ऐसे जो आपके मन में रहेंगे कि मैं इस मुद्दे को लेकर वोट करूंगी, मैं नारी हूँ नारी शक्ति हूँ तो इस मुद्दे को लेकर वोट करूंगी, ऐसा तो कोई मुद्दा है नहीं, पर ये है कि लेडीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ सरकार को करना चाहिए ऐसा मैं सोचती हूँ, मतलब आगे करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सिलाई मशीन के लिए उन्होंने निकाला है, ऐसे कुछ और निकाले ताकि महिलाएं भी आगे बढ़े, सिर्फ जेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो, मतलब अपने पैर पे भी खड़ी हो पाए।
इस टाइप से कुछ योजना आपको याद है कि ये योजना मुझे अच्छी लगी? योजना ऐसा है जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए निकालते हो वैकेंसीज, उसमें महिलाओं के लिए ऐसा होता है एसटी एससी वाली तो महिलाएं आगे बढ़ जाती है, पर जनरल वाली का क्या, तो उसमें थोड़ा सा सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। मैम आप बताएं, आप वोट करने जाएंगे तो क्या जहन में रहेगा, ऐसी कौन सी आपके जो ऐसी योजना है या कोई ऐसा मुद्दा आपके जहन में कि जिसको देख के आप वोट करने जाएंगे इस बार? एक तो बच्चों के लिए भी जो शिशु विकास है, बाल बच्चे हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से शिशु को अच्छे से प्रॉपर और शिशु की जो माताएं हैं जन्म के टाइम पर, तो उस हिसाब से दोनों के खान पान का जो व्यवस्था है वो भी सरकार को, भरण पोषण की व्यवस्था है वो भी देनी चाहिए। अच्छा, अब महिला है, अब सेफ महसूस करती है माहौल में, या एमपी हो या दूसरे स्टेट में जब आप जाते हो सेफ महसूस करते हैं, आप सुरक्षित महसूस करते हैं आप? दिन में भी आजकल महिलाओं के लिए हर जगह सुरक्षा महसूस नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो जो वाइन शॉप है वो मेन सिटी एरिया में रहती है, तो उससे एकदम महिलाएं नहीं गुजर सकती अकेली। सरकार को ऐसे बड़े काम जिनको देख के आप वोट देने करने जाएंगे, या कांग्रेस पार्टी कितनी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को लेकर, आप क्या कहेंगे? बड़ा गठबंधन बना हुआ था, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? कांग्रेस का तो कुछ है नहीं कमेंट, भाजपा ने जैसे अभी लाडली बहना वगैरह करा है वो बढ़िया है, पर उसमें एक है कि हर महिला का नहीं हो रहा है उसमें सिलेक्ट, जैसे एक जनरल वाली है उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, और फिर प्लस में अभी इन लोगों ने जो भी आता है कुछ भी योजना आ रही है वो सब लाडली बहना वगैरह जो भी है अभी वो हम जनरल वालों के लिए कुछ भी नहीं रहता है, तो इसमें एक लॉस है उन लोगों। कांग्रेस भी इस बार लखपति बनाने की योजना लेके आई है, महिलाओं को लखपति बनाएंगे, कितना इम्पैक्ट मानती है आप, कितना इम्पैक्ट होगा? 0%। ऐसा मेहनत तो बहुत करी कांग्रेस हर जगह, राहुल गांधी जा रहे, कुछ भी नहीं आया ना पहले थी तो पहले में, और अब के इसमें आप कंपेयर करो तो पहले कितना अपना इंडिया ही कितना पीछे था, और आज भाजपा की वजह से कितना आगे हो गया हर जगह अपना भाजपा ही, मतलब इंडिया का सबसे पहले नाम आ रहा है आज पूरे देश विदेश में जाओ तो अपना इंडिया का आते तो सल्यूट वगैरह होता। 13 तारीख को वोट करने जाएंगे आप? बिल्कुल, फुल फैमिली बिल्कुल। बहुत सारी फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ हैं, उन्हीं चर्चा करते हैं। बेटा 13 तारीख को आप वोट करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप, क्या आपके मन में रहेगा और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट करने जाएंगे? वोट तो करना ही है हमको, क्योंकि विकास हुआ है ये तो सबको पता है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो उसके बारे में कौन नहीं जानता, जितना बताएंगे उतना कम है अभी, तो इसलिए हमारा मत तो मोदी को ही जाएगा। कांग्रेस भी बहुत मेहनत कर रही है, कितना क्या क्या लगता है, कितना इम्पैक्ट लगता है इस पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से आपको? मेहनत से कुछ नहीं होता है, जो दिखता है वही उसी को वोट दिया जाएगा, कि आपने विकास कितना हुआ है वो सब जानते हैं कि कितना हुआ है, क्या एक सतत विकास और एक निरंतर जो विकास हो रहा है उसी को मत जाएगा ना सर। कांग्रेस ने लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इंडिया गठबंधन जो नया नाम सामने आया है इंडिया गठबंधन, क्या लगता है आपको, क्या भविष्य मानते हैं आप उसका? कुछ भी नहीं, 0। कुछ और वोटर्स हमारे साथ है, युवा वोटर्स। बेटा आप पहली बार वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके मन में? नारी सुरक्षा की बात करूं मैं तो, कितना आप सेफ महसूस करते हैं आप? मोदी जी ने बहुत सारी हमारे लिए मतलब सेफ्टी की है, इसलिए मैं बीजेपी को वोट करना चाहती हूं। क्या मन में क्या रहेंगे, क्या कौन सा ऐसा मुद्दा रहेगा कि यार मुझे उसको देख के मुझे वोट करना है, या ऐसी कोई बात आपके मन में कि यार इस पार्टी को मुझे वोट करना है? तो कांग्रेस से कितनी उम्मीद है, कांग्रेस ने भी लगातार मेहनत करी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस से तो कुछ नहीं, बीजेपी से प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और बाकी बहुत सारी योजनाओं के लिए किया है, युवाओं के लिए भी उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह, बस। आप खुश है सरकार के काम? जी सर। महिलाओं के मन में क्या है, पिछले 2 बार में वोटिंग थोड़ी कम हुई थी मुझे लगा, इस बार तो आज अच्छी वोटिंग हुई है 3rd राउंड में, अगले राउंड में क्या लगता है, लास्ट राउंड है, रतलाम झाबुआ अलीराजपुर का नंबर है, क्या लगता है? झाबुआ अलीराजपुर का ही नंबर है और महिलाएं ही वोट सबसे ज़्यादा देंगी, उसका रीज़न है कि महिलाओं के हित के लिए जो काम किए गए ना वो आज तक कांग्रेस की सरकार ने नहीं किए, उनके लिए जो आत्मसम्मान लाडली बहना योजना आवास योजना आयुष्मान कार्ड इतनी सारी योजनाएं कि अगर हम गिनाने जाएंगे तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा, इतनी योजनाएं जो बीजेपी की सरकार में बनी है वो कांग्रेस की सरकार में नहीं बनी थी। कांग्रेस भी महिलाओं को लखपति बनाने जा रही है, उनके मैनिफेस्टो में है ऐसा? वो बोलती है, करके दिखाए, बोलना अलग चीज़ है करना अलग चीज़ है, बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने करके दिखाया, कहना यहाँ पे कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ हैं, उनका कहना है, थोड़े और दूसरे भी और वोटर्स हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। बेटा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप लोग, क्या मन में रहेगा, क्या सोच के वोट करने जाएंगे? के उस इंसान को वोट देंगे जो देश का विकास करेगा और जो हमारे लिए हमारे फ्यूचर के लिए सोचेंगे और जो ऑब्वियसली मतलब देश का अच्छा चाहेगा। अच्छा, कितना सिक्योर फील करते हैं, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या लगता है आपको?
मतलब मोदी जैसे मैं मतलब मैं अहमदाबाद भी रही हूँ तो मुझे बहुत सेफ़ फील होता है क्योंकि वो मोदी नगरी कहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो मतलब हर जगह मैं उतना ही सेफ़ फील करूँ जैसे मैं गुजरात में फ़ील करती हूँ, मैं एमपी में भी वही फ़ील करना चाहती हूँ। और अच्छा अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं अच्छा फील सेफ फील करती हूँ। 11 तारीख को वोटिंग है, वोट करने जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको सब बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। ठीक है बेटा, कांग्रेस ने बहुत मेहनत करी, क्या लगता है आपको कांग्रेस ने कहाँ, आपको ऐसा लगा कि इस पूरे चुनाव में कहाँ आपको कौन सा बड़ा मुद्दा ऐसा आपको लगा जो इस पूरे चुनाव में प्रभावी होगा, कौन सा बड़ा मुद्दा आपको लगा ऐसा? अभी का तो मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट पहले का जो उनका परिवारवाद इतने सालों से हमेशा से चला आ रहा है, मतलब जो मनमोहन सिंह जी थे वो मतलब हमेशा बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, है ना, और उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट इंडिया में कभी कोई था ही नहीं, बट फिर भी वो परिवारवाद के कारण वो हमेशा से ऐसा रहा कि जैसा उनको गांधी परिवार बोलता था वो वैसा ही करते थे, उस कारण से हमारे देश का भला उतना नहीं हो पाया। पर अगर हम बीजेपी को देखें तो वहाँ पर सब जने अपने लिए नहीं सोचते, देश के लिए सोचते, देश के विकास के लिए सोचते, युवाओं के लिए सोचते हैं। अभी स्टार्टअप में भी बहुत ज़्यादा योगदान हो रहा है बीजेपी का, तो यही सब रीजन से कि हम लोग कांग्रेस को ना देख के बीजेपी को। वोटिंग परसेंट बीच में कम हुआ था, जो वो वोट गिरे बहुत बेहतर वोट गिरे हैं, तो क्या आप लोग अपील करेंगे, क्या बोलेंगे आप अपने आस पड़ोस में अपने परिवार में वोट करने के लिए, क्या अपील करेंगे आप लोग? हाँ हम यही बोलेंगे कि सब जने ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें क्योंकि ये देश के लिए हो रहा है, आप देश के लिए हो रहा है मतलब आपके खुद के लिए हो रहा है, आपके परिवार के लिए हो रहा है, आपके बच्चों के लिए हो रहा है ना, तो सिर्फ आप दूसरों का ना भी सोचें तो खुद का सोच के वोट करें। दो तीन बड़े काम बताएंगे आप जो आपको अच्छे लगे? मोदी जी के अंडर जो हुआ है, जैसे अभी कश्यप जी ने बोला मेड इन इंडिया जो स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट हुए हैं, और मुझे वो हाईवे वाला प्लान भी वो भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि कन्वीनियंस बहुत इजी हो गया है, और बहुत सारी जैसे स्टार्टिंग में वो गंगा क्लीनिंग का हुआ था या स्वच्छ भारत का हुआ है, और बहुत सारे ऐसे बड़े जो किए हैं मोदी जी ने प्लान्स लाए हैं वो सारे मुझे बहुत अच्छा लगे। अच्छा कुछ बच्चे और बेटा आप बताएं, फर्स्ट टाइम वोटर है आप, क्या मन में रहेगा वोट करने के, जब जाएंगे आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो क्या मन में रहेगा आपके? मतलब जैसे हमारे लिए जो भी वो अच्छा करते हैं हम उस हिसाब से उनको वोट करेंगे, और जो भी यंगस्टर्स हैं तो मतलब जैसे जैसे हमको अच्छा लगेगा हम उनके हिसाब से सब। आप सेफ फील करते हैं इस गवर्नमेंट में, सेफ फील करते बेटा आप? हाँ सेफ फील तो करते, पर जैसे गुजरात तो जितना सेफ है उतना सेफ यहाँ पर नहीं है, सो वी वॉन्ट कि इधर भी इतना सेफ हो। सो या तो बहुत सारे वोटर्स हमारे साथ हैं, युवा वोटर्स हैं, तो यही कहना है कि सेफ फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए कुछ। बेटा आप वोट करने जाने की तैयारी में है, और कौन सा ऐसा बड़ा फिगर आपको लगा इस पूरे चुनाव में? अच्छा कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे, बहुत मेहनत करी, इंडिया गठबंधन भी सामने आया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो कहाँ लगा आपको ऐसा? अभी लगातार राहुल गांधी सभा कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सभा कर रहे हैं, कितना इम्पैक्ट मानते हैं आप कांग्रेस का? मैं उसके लिए तो कुछ नहीं मतलब कह सकती क्योंकि मतलब वो एक मतलब नेशनल टेलीविजन पे ये बात चल रही है, पर मैं हाँ इतना कहूँगी कि उनने भी की है कोशिश, पर वो जो एक्सपेक्टेड था आउटकम था वो शायद नहीं आ पाया, वो दिखा नहीं, या फिर उनकी जो आइडियोलॉजी थी, थिंकिंग थी, वो शायद अलग थी, वो हमारे से अलाइन नहीं हो पाई। बट मैं मतलब बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी वोट करे प्लीज़ सोच समझ के करे, आपके भले के लिए ही होगा जो भी होगा, और अब की बार 400 पार। तो कुल मिला के मिली जुली प्रतिक्रिया है युवाओं की, अब देखना यह है कि जो रतलाम झाबुआ लोकसभा का जो ऊँट है आखिर किस करवट बैठेगा, इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाली काउंटिंग की तारीख ही बता पाएगी। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।